Perween. बहुत-बहुत शुक्रिया सभापति महोदय. ये अध्यादेश जो लाया गया है, ये अध्यादेश के अनुरूप ये प्रस्ताव आया है. इस जब बहस की चर्चा शुरू हुई तो नीरज शेखर जी ने जो आशंकाएं जताई, मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगी कि इन आशंकाओं को आप दूर करने की कोशिश करेंगे. वो इसलिए कि जब कोई गरीब किसी मजदूर हो, किसान हो या बुनकर हो, जब लोन लेते हैं और लोन की राशि जब वो वापस नहीं कर पाते हैं तो उन्हें जो प्रताड़ित किया जाता है, या तो वो किसान आत्महत्या कर लेता है या फिर उनके घर के दरवाजे और चौखट तक खोल लिए जाते हैं. तो जो आशंकाएं हो रही हैं कि ये पूंजीपति लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, तो ऐसा मेरे समझ से कि सरकार जो सबका साथ और सबका विकास का नारा देती है तो वो अमीरों के भी के साथ है और गरीबों के भी साथ है, इस बात से इनको साफ करना होगा. दिवाला निकालने वाले की दिवाली लद गई, इस बिल से ये साफ करना होगा कि जो दिवाला घोषित करके दिवाली मनाते थे, इस बिल के लाने के बाद ऐसा ना हो कि दिवाला घोषित करने के बाद वो दिवाली मनाएं. 19 जुलाई 2018 में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी इस बात की चिंता जताई है. ये खबर अखबारों में भी आई है और बैंक कर्मियों के द्वारा जो जताई गई आशंका है उसका समाधान होने की ज़रूरत है. माननीय मेरे मन में एक चिंता ये आ रही है कि जब कोई कंपनी अगर अपने आप को दिवाला घोषित कर देता है लेकिन दूसरे भी वो कंपनी अगर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चलाता है, तो ऐसा भी होता है कि बैंक में आया और कह देता है कि हमारा दिवाले ये हो गया हमारा, हम इसको कर्ज नहीं कर पाएंगे. और वैसे में वो आता है दूसरी गाड़ी से चला जाता है. बैंक कर्मी भी कहते हैं कि हम इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते चूँकि गाड़ी इनके नाम से नहीं थी. तो एक तरफ वो अपने आप को दिवाला बताते हैं और दूसरी तरफ बैंक जब आते हैं तो इतने अच्छी अच्छी गाड़ियों में आते हैं कि बैंक कर्मी भी देखकर परेशान हो जाते हैं. तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस पे भी आप सख्त कानून बनाएं. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर अपने आप को दिवाला बताते हैं और बहुत कुछ होता है कि वो स्वाभाविक रूप में हो जाते हैं. तो आपको पहचान ये भी करनी होगी कि जानबूझ करके दिवाला जो अपने आप को घोषित करवाने वाले लोग कितने हैं, और स्वाभाविक रूप से अगर कोई छोटा व्यापारी अगर कोई व्यापार के लिए लोन लिया है तो उसके लिए भी हम लोगों को थोड़ी मर्सी करनी होगी. मैं आपके इस बिल का समर्थन करती हूँ और अपनी बात को यहीं खत्म करती हूँ. धन्यवाद कृष्ण जी.